प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मंडी के बंगरोटू में निर्माणाधीन 108 बेडेड मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल के कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों एवं मौजूद अधिकारियों से कार्य की प्रगति से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि निर्माणाधीन मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल बंगरोटू में कोविड के मरीजों के साथ साथ संक्रमित मरीजों के लिए ICU, ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम की भी व्यवस्था रहेगी। इससे कोविड संक्रमितों रोगियों के साथ संक्रमण के दौरान सर्जरी और प्रसव करवाने की सुविधा उपलब्ध होने जा रही है। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल बंगरोटू 100 से अधिक मरीजों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए 3-4 दिनों में तैयार होने वाला है। मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जो 100 प्लस बेडेड के लिए अब तैयार होने जा रहा है, एक नई सोच जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की है। बड़ी जल्दी ही मेरा ख्याल है दो चार दिनों के अंदर जो है वो तैयार होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बार बार आते रहते हैं और उनके आने से क्या है कि पहले तो सिर्फ मेकशिफ्ट हॉस्पिटल का ही काम होना था, लेकिन साथ में ये सारा बाहर का जो परिसर था, अगर ये परिसर पकाना होता तो एक दलदल में जो है वो किसी भी पेशेंट को यहाँ लाना मुश्किल था। तो उन्होंने जो आदेश किए थे, मैं आज देख रहा हूँ कि बाहर का पूरा एरिया जो है वो भी अब कंक्रीटिंग एरिया के रूप में जो है वो बदल गया हुआ है। अब पक्का बहुत अच्छा काम जो यहाँ पर चला हुआ है। यहाँ डॉक्टर साहब ने कहा है कि जब मेकशिफ्ट हॉस्पिटल चालू होगा तो इसके लिए 300-350 गैस ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स की एडिशनल आवश्यकता है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है और मैंने भी अभी अभी जो हमारे स्वास्थ्य सचिव हैं श्री अवस्थी जी, मैंने उनसे ही बात की है कि आप एडिशनल सिलेंडर जो यहाँ पर लिए भेजें, और एडिशनल स्टाफ की बात है उसके लिए भी मैंने स्वास्थ्य सचिव को कहा है कि आप एडिशनल स्टाफ भी और विशेष करके डॉक्टर्स जो है वो यहाँ के लिए भेजें, ताकि हाँ यहाँ के जो हमारा डॉक्टर्स हैं, यहाँ के जो हमारे प्रिंसिपल हैं, स्टूडेंट हैं, वो उस प्रकार से जो है यहाँ पर काम कर सके। उज्ज्वल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।